फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश का पेपर। इसका सॉल्व देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे पेपर कोड आप लोग मिलान कर लीजिएगा। पेपर कोड है 817DL। सो चलिए इस पेपर में हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पार्ट ए में आपको कुछ पैसेज दिए गए हैं। इस पैसेज में आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। सो सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया इसे केयरफुली रीड करना है कि इस पैसेज में क्या दिया गया है। उसके बाद से हम क्वेश्चन रीड करेंगे और इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा उस पर टिक लगाएंगे। सो चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर ए चाइल्ड बिकॉज, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए डिसिप्लिन चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी ए, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड frequently as used in the passage, so option B is correct. Now question number 4, the train will left the station before he reaches, so option D is correct. If you do not do your work carefully, you are careless, so option C is correct. So यहाँ पे जो fifth का है वो C जो answer है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल अप इन डाउन आफ्टर, सो आफ्टर यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9, 10 क्या करना है, इस पैसेज से पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 9, द ऑथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वॉज 36, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द ऑथर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, सो ये रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेंचो रोड टू गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर, सो यहाँ पे हैंग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, सो यहाँ पे सी जो आपका सेरेमनीज है ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 to 15, सो यहाँ पे 14 to 15 में क्या करना है, एक पोयम दिया गया है, इसी में से आपको आंसर बताना है, ठीक है। सो वॉट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, वॉट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइन, जो यहाँ पे पोएम लिखा गया है इसके राइटर कौन है, ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, सो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन डी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 and 20, सो भोलेस फादर रामलाल हैड 3 sons and 4 daughters, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 20, सो यहाँ पे 20 का बी जो है वो सही है, ठीक है। सो ये रहा आपका 20 MCQ क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर में क्या क्या और पूछे गए। सो ये रहा आपका पार्ट बी, यहाँ पे क्या करना है इसे पढ़ के इसका सही क्वेश्चन देना है। वाई वॉज रहीम जेलस ऑफ हुसैन, सो यहाँ पे देगा हुसैन वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ही वॉज लाइक्ड बाई ऑल द पीपल इन द विलेज, दिस मैन रहीम जेलस, क्या करते थे, गांव के सभी लोग जो थे वो इन्हें पसंद करते थे, इसी वजह से इनसे जेलस फील करता था। इस तरह से यहाँ पे आपको डी तक का क्वेश्चन इसमें से लिखना था देख के। इसके बाद से राइटिंग देखिए क्या दिया है, यहाँ पे और करके 22 में दो क्वेश्चन दिया गया है, या तो आप इसे कीजिए या तो इसे कीजिए, ठीक है, यहाँ पे ईजी दिया गया है। 23 में क्या करना है आपको, यहाँ पे रिपोर्ट लिखने है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जो कि सबको पता है ट्री क्या करती है, सेफ ट्री सेफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट 24 क्वेश्चन क्या, ये देखिए आपका 24 है ग्रामर का, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीसीज, ठीक है। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीस में इसको चेंज करना है। माय फादर सेड टू मी, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, सो माय फादर आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टू कंटिन्यू माय स्टडी। यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वाइज, यहाँ पे पैसिव वाइज में चेंज करना, इट वरीज मी, आई एम वरीड बाई इट, ओके। यहाँ पे पंचुएट द फॉलोइंग, सो यहाँ पे बहुत सारे आप जिस तरह से कर सकते हैं सही हो सकता है, क्या करना है, राम को कैपिटल लेटर में लिखना है और लाइक तक लिखिए माई ड्रेस सेट राम, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने लिखा ये भी सही है, ठीक है। राम डू यू लाइक माई ड्रेस सेट श्याम, ओके। अब यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यहाँ पे क्या करना है आपको, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है, वन डे आई वॉन्ट इन द गार्डन विथ माई फ्रेंड टू वॉक, इट वॉज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स वेयर इन ब्लूम, वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर, देयर वॉज, यहाँ पे क्या है, देयर वॉज सा ए बर्ड विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल, सो ये रहा आपका आंसर। इसके बाद से 25 क्वेश्चन नंबर में क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद से तो आप कर ही लेंगे। सो ये रहा आज का इंग्लिश का सॉल्व पेपर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।